जला देते हैं, दोनों जला देते हैं। अब कुछ लकड़ी को हम लोग ये पहले दीप रख करके लकड़ी को रखेंगे, और अगला जो मंत्र बोलूं तो एक दीपक बीच में रख देंगे और एक दीपक को जल के पास रख देंगे। सीखते भी रहना है, ये चार वाला ना बनता है, चार कोण वाला हवन कुंड। ओम भूर्भुवः स्वः देवरीव भूम्ना पृथ्वीव वरिम्ना तस्यास्य पृथ्वी देवयजनी पृष्ठे अग्नि मन्नाद मन्ना ध्यायाद धे। अब अग्निदेव को हम लोग प्रार्थना किए कि हे अग्निदेव, आप विराजमान होइए अपने स्थान पर, आप स्थापित होइए अग्नि कुंड में। तो अब यहाँ रखते हैं अग्निदेव को। हम लोगों ने क्या किया, आह्वान किया, बुलाया, बीच में पहले रखते हैं यहाँ पे, और एक अग्निदेव को वहाँ रखते हैं। अब अग्निदेव को हमने बुला दिया, अग्निदेव हमारे समक्ष बैठे हैं, और अग्नि ही हमारे जीवन का कर्ता धरता है। अग्नि के बगैर मेरा जीवन अस्तित्वहीन हो जाता है, इसलिए हर क्रियाओं में चाहे भोजन करे कुछ भी करे तो बगैर अग्नि का, या मैं जिंदा हूँ तो प्रकाश रूपी अग्नि सूर्य जिसका स्रोत है, तो कभी भी जब अग्नि जले तो वो ऊपर की तरफ लपटे उसकी क्या होती है, कारण कि हर चीजें अपने मूल स्रोत के पास जाना चाहती है। जैसे अग्नि को जलाए तो सूरज के पास जाना चाहे, जब जल को गिराते हैं पहाड़ पे तो वो सागर की तरफ मिलने के लिए आतुर हो, नीचे की तरफ ना गिरता है। हम इसमें थोड़ा घी भी और डाल सकते हैं चम्मच। लकड़ी को थोड़ा ये लकड़ी थोड़ा उससे रखते हैं चल। इसलिए के सब प्रकृति का दिया हुआ है, तो प्रकृति की पूजा कहते हैं ना कि परमात्मा तेरा सब कुछ दिया हुआ है और मैं तेरा दिया हुआ सब कुछ तेरे ही को अर्पित कर रहा हूँ। Thank you.